प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत भातसोड़ा के सरपंच शंभूलाल सुथार एवं ग्रामीणों ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भातसोड़ा का मिड डे मील का मंगलवार को औचक निरीक्षण किया गया, जो असंतोषप्रद पाया गया। मंगलवार को बनाए गए भोजन में मौके पर 3 किलो चावल ही बनाया गया, परंतु स्टॉक रजिस्टर में 8 किलो 400 ग्राम चढ़ाए गए। इसी प्रकार सोमवार को मौके पर 6 किलो आटे का प्रयोग किया गया, लेकिन स्टॉक रजिस्टर में 9 किलो आटा रजिस्टर में चढ़ाया गया। इसी प्रकार भोजन बनाने वाली महिलाओं ने भोजन में उपयोग होने वाली सामग्रियों को बालकों के भोजन के लिए कम मात्रा में बनाया गया, परंतु स्टॉक रजिस्टर में उसकी मात्रा अधिक दिखाई गई, जिससे सरपंच संपूला सुथार एवं ग्रामीणों ने रोष प्रकट करते हुए कार्यवाही की मांग की एवं व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। इसके लिए सरपंच संपूला सुथार ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की। मैं यहाँ के क्वालिटी चेक के लिए आए थे, आकस्मिक निरीक्षण किया था, परंतु उसमें जहाँ तक हम ये जो खाना बना रही लेडीज इनको पूछा, ये कह रहे हैं हमने आज 3 किलो चावल का उपयोग किया, जबकि स्टॉक रजिस्टर में देखा तो उसमें 8 किलो 400 ग्राम इन्होंने रिकॉर्ड में, यानी कि रिकॉर्ड से तो उठ गया है 8 किलो 400 ग्राम चावल, जबकि इन्होंने वास्तव में 3 किलो चावल बनाया। जब कल का चेक किया तो उन्होंने, उन लेडीज़ ने बताया कि 6 किलो हमने आटे का उपयोग किया बच्चों के लिए, वो रिकॉर्ड में 9 किलो चढ़ा रखा है। तो इस तरह से पता नहीं कितने दिन से ये हार पेट चल रहा है। मैं चाहता हूँ इस पर कार्रवाई और इसमें गुणवत्ता में सभी में सुधार। सर पे सर 8 बजे उपस्थिति हुई, उसमें 35 बच्चे थे, इनको 3.5 किलो चावल के लिए बोला 100 ग्राम प्रति बच्चे के हिसाब से, और 700 ग्राम दाल थी तोल के लाया हमें, और 20 ग्राम बच्चे के प्रति दाल होती है, ठीक है सर, और 20 ग्राम के हिसाब से दाल बनाई, और 100 ग्राम के हिसाब से इन्होंने चावल लिया, और 3.5 किलो के लगभग चावल लिए, और 35 बच्चों का खाना बनाया। अब बच्चे ज़्यादा आ गए, सब बच्चों का खाना उनको बच्चों को सबको मिल बैठ के बांट के खिलाए, उसमें चावल ज़्यादा आए स्टॉक में तोड़ दिया। अब अगली में इस जो बच्चे उपस्थित होंगे उन्हीं की उपस्थिति के आधार पर MDM तोड़ा जाएगा।